सरकार ने साढ़े सिरां दे इनाम रखे हुए हैं। थां थां उते फौज अते पुलिस सानू भाजदी फिरदी है। नबी खान ते गनी खान जी तुहाडे जुम्मे सेवा है कि इस थां तों सानू सुरक्षित बाहर लैके जाण दा प्रबंध करो। प्रोग्राम बनिया कहानी लम्मी। गुरदेव पिता आप एक पलंग उत्ते बैठे अपने पवित्र केस पिछे नूं नीले रंग दा कपड़ा बाणा सारा सतगुरु जी ने पहनिया। जिहड़ा एक माछीवाड़े दी रहण वाली माई ने आप सतगुरु जी वास्ते बुन के रखिया सी ओह पहन के गनी खां ते नबी खां ने अगों सतगुरु जी दा पलंग चुकिया। मगरों भाई दया सिंह ते धर्म सिंह ने भाई मान सिंह दे हाथ विच चौर सी हजूर दे सीस ते करदा जा रहा सी। जे को रस्ते विच पुछदा कौन हन नबी खां ते गनी खां जवाब दिंदे कि साडे उच्च दे पीर हन। एक पिंड विच जाके एक फौजी सरदार नूं शक पै गया। उन्हें हजूर दा पलंगा रोक लिया। सवाल फिर हुई सी पी ये कौन हन। जवाब भी हुई सी कि उच्च दे पीर हन। तसली नहीं हुई उस फौजदार दी। उसनूं पता लगा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे उस्ताद सलोह दे रहण वाले काजी पीर मुहम्मद हजूर नूं फारसी पढ़ाया करदे सन। वह नेड़े ही पिंड सी। उत्थों एक सवार नूं भेजिया कि काजी नूं छद के लियाए। काजी पीर मुहम्मद मौके ते आए और उन्होंने जुम्मे शनाखत लाई गई कि तुसी गुरु गोबिंद सिंह जी दे उस्ताद रहे हो, तुसी जानदे हो उन्हां नूं, ये कौन हन। ते उस वेले काजी जी ने जो उत्तर दिता वो यही सी जो नबी खां और गनी खां देंदे आए सन। शक दूर होया। गुरदेव का पलंग उठा के सिंह फिर अगे तुर पाए और आखिरकार वो पिंड हेर विच पहुंचे जिथे महंत कृपाल दास रहिंदा सी। वह उदासी संत जिसने पंघाणी दे मैदाने जंग विच गुरु गोबिंद सिंह जी की आग्या पा के अपनी मुखतैर नाल एक वड्डे सारे पठान का मुकाबला करदे उस नूं जंपुर तोरिया सी। वह महंत कृपाल दास हेर पिंड दे एक डेरे का महंत सी। गुरदेव पिता उस कोल पहुंचे। महंत ने सतगुरु जी नूं जी आया जरूर आख्या लेकिन नाल ही घबरा गया। कहण लगा महाराज तुसी एक रात मेरे को ठहरो, मैं यथा योग सेवा करांगा, पर सरकार तुहाडे खिलाफ है। थां थां उते ढंडोरे दिते जा रहे हैं। तुहाडी भाल विच फौज फिरदी है। जे उन्हां नूं पता लग गया कि तुसी मेरे डेरे विच हो ओ महाराज मैनू भी जानो मार देणगे। देखो जमाना किवें बदलदा है। किथे यही मंत पंघाणी दे मैदाने जंग विच मौत दी ना परवाह करदा होया गुरु गोबिंद सिंह जी दी खुशी लैण लई केवल कुटके नाल एक पठान नाल लड़दा है ते अज गुरदेव कोल चल के आए हन। गुरदेव नूं सेवा दी जरूरत भी है लेकिन अज महंत अपने पैरां तों थिड़किया खलोता है। हजूर मुस्कुरा के कहण लगे महंत जी रब दे बड़े रंग न्यारे ने, खैर सानू तुहाडे ते कोई जिला नहीं। ये कह के सच्चे पातशाह उदों अगे तुरे। रस्ते विच भाई मनी सिंह दे भरा भाई नगाइया सिंह नाल मेल होया। गुरदेव पिता नूं उसने घोड़ा भेंट किया। सतगुरु जी पलंगा छड के उस घोड़े ते सवार होए। नबी खान गनी खान नूं गरीब नवाज ने अपने दस्ते मुबारक तों एक हुक्मनामा लिख के दिता और आख्या कि मेरी संगत मेरे सिख नबी खां और गनी खां ते उन्हां दीआं आउण वालीआं पीढ़ियां दा सत्कार करदे रहणगे क्योंकि संकट वेले इन्हां पठान सरदारां ने साडी मदद करके गुरु नानक दीआं खुशियां हासिल कीतीआं हन। सत्कारयोग साध संगत जी अगे सतगुरु सच्चे पातशाह राय कल्ले कोल पहुंचे। उस वेले राय कल्ले कोल 300 सवार सन। रस्ते विच मेल होया। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं राय कल्ले ने बेनती की महाराज आप कुछ मेरे को ठहरो, मैं हजूर की सेवा करांगा। सतगुरु जी मुस्कुरा के कहन लगे राय साहब तुहानू पता है सरकार ने साडे मुतल्लक की फैसला किया है। जेडे सानू सेवा विच सानू सहयोग देंगे उन्हां दे खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। मैं नहीं चाहता तुहानू इह खतरे विच पावां। राय कल्ले ने कहा नहीं सच्चे पातशाह जिंदगी भी हाजिर है पर मैं आपकी सेवा जरूर करनी चाहना हाँ। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह राय कल्ले दे कोल बड़े सन्मान नाल बड़े प्यार नाल राय कल्ला उन्होंने अपने महल विच लैके गया। हजूर नूं कई दिन उत्थे रखिया। राय साहब की बेगम और राय साहब की माता गुरु साहब जी का बड़ा सन्मान करते रहे और इतों एक दिन गरीब नवाज ने
राय साहब नाल गल की, राय साहब मेरा परिवार विछड़ गया, वड्डे साहबजादे शहीद हो गए ने, छोटियां दा कुछ पता नहीं, उन्हां बारे मैनू हुण तक कोई खबर नहीं। इन्ना क पता लगे है कि सरहंद दे नवाब वजीर खान ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। मैं समझदा तां जरूर हाँ कि सवाए शहादत तो होर कोई रस्ता नहीं, पर मैं पक्का पता करना चाहता हाँ कि उन्हां नाल की बीती। माही जिहड़ा राय साहब जी दे पशु चारण वाला एक नौकर सी, उसनू राय साहब ने इस ड्यूटी ते नियत किया क्योंकि उहदी भैण उस सरहंद विच विआई होई सी कि माई तू जाके गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे छोटे साहबजादियां दी खबर सरहंद विचों लैके आ। सत्कारयोग खालसा जी, कलेजा मूंह नूं आउंदा जदों माही सरहंद तो खबर लैके आया। राय साहब कोल बैठे सन, गरीब नूं अज सच्चे पातशाह जी दे चरणां विच पहुंच के माही ने अखां विचों हंझू केरदियां हौकिया भरी बोली विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरणां विच हाजिर होके माही ने गुरदेव पिता दे छोटे साहबजादियां दी उस शहादत नूं जिवें सुनाया उसके अखर इस प्रकार हन।
ਛੱਡਿਆ ਵੀਰਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨ ਪੰਥ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਜਲਾਰੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੁਝੀਵਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰੇ ਮਨਾਏ ਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਜੀ ਪਾਣਾ ਮਨ ਅੰਤ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਮਨ ਅੰਤ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਤਨ ਟੋਟੇ ਰੇ ਮਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਦਲਾਰੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨ ਧਰਮ ਤੋਂ गरीब नवाज के चरणों में रोंदे हुए माही नूरे ने वो खूनी दास्तान सुनाई। गरीब नवाज गंगू ब्राह्मण ने बेईमानी करके माता गुजरी ते छोटे साहबजादे सरकार के हवाले करवा दिते और वजीर खान सूबा सरहंद ने उन्होंने इस्लाम प्रवान करने मजबूर किया। उन्हां बहादुरां ने अपना धर्म परिवर्तन करन तो इनकार करदिआं होइआं ना कर दित्ती। गुस्से विच आए हुए वजीर खान ने उन्हां नूं शहीद करन दा फतवा दवाउण वास्ते काजी नूं बुलाया। नवाब मलेर कोटला शेर मुहम्मद खां उस वेले सरहंद दी कचहरी विच मौजूद सी। जदों फतवा सुनाउण लगे उस शेर मर्द मुसलमान ने कहा के सूबेदार कोई धर्म आग्या नहीं देंदा दुध चुंग दे बच्चों नूं कतल कर देना। इन्हां बच्चों का कोई गुनाह नहीं। गुरु गोबिंद सिंह दे साहिबजादियां ने किसे दा बुरा नहीं कीता, किसे दे खिलाफ तलवार नहीं चुकी। ये हानि इन्ने छोटे, इन्हां नूं अजे जिंदगी का कोई ज्ञान नहीं। इन्हां नूं काफर कह के फतवा देना ते शहीद करना शरीयत इसकी आग्या नहीं देंदी। और मुहम्मद साहब इसका कोई हवाला नहीं देंदे कि छोटे छोटे दुध चुंग दे बच्चों नूं भी कतल किया जाए। इस वास्ते तुसी शरीयत के खिलाफ ऐसा काम ना करो। लेकिन वजीर खान सूबेदार सरहंद अपनी गल ते अड़िया रहा और नतीजा निकलिया कि उसने आखिर उन्होंने शहीद करने का हुक्म दे दिता। नवाब मलेर कोटला शेर मुहम्मद खां सूबेदार की कचहरी विचों दोवें बाहां खड़ियां करके हा दा नारा मार के सरहंद के किले विचों बाहर निकल गया। सत्कारयोग खालसा जी 1947 आया, हिंदुस्तान की वंड होई, पाकिस्तान एक वखरा देश बनिया। इस पंजाब विच वसे हुए मुसलमान अपने वड्डियां वडेरियां दे घर घर छड़ के वो पाकिस्तान नूं चले गए। लेकिन उस वेले जिहड़े हमले हिंदुआं सिखां मुसलमानां दे आपस विच होए किसे सिख ने मलेरकोटले ते चढ़ाई नहीं कीती, क्योंकि वो जानदे सन कि इत्थों दे रहण वाले नवाब शेर मुहम्मद खां ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे बच्चों के हक विच हा दा नारा मारिया। साडियां मनां विच सिख कौम दीआं नज़रां विच हर वो मुसलमान सत्कारयोग है जिसने इंसानियत का पला नहीं छड़िया। उन्हां विच असी राय कल्ले नूं भी गिणदे हाँ जिन्होंने साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सेवा की, कई दिन अपने घर विच ठहराया और बड़े प्यार सत्कार नाल उन्हां दी हाजरी विच रहे। जिथों तक इस गंगा सागर का तालक है, मैं इस नूं इतिहास विच जानने की कोशिश की है। ये ठीक है कि कुछ वस्तुआं गुरु साहिबान ने अपने प्यारियां नूं अपनी निशानी वजों आशीर्वाद वजों सरोपा वजों बख्शिश कीतियां समय समय सिर। पीर बुद्धू शाह नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना पवित्र केसां दा कंघा सने केस जिहड़े उन्होंने वाह के कंघे विच मौजूद सन, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दस्तार ते केस और वो कंघा पीर बुद्धू शाह की झोली विच पाया। इसे तरह राय कले नूं इक तलवार बख्शिश की जदों सतगुरु जी राय कले तो विदा होकर तुरन लगे। महान कोश विच
कुछ एंट्री इस संबंध में है जी मैं थोड़े तो सामने रखनी चाहता हाँ। जिला लुधियाने की जगराओं तहसील लुधियाने तो 27 मील की विथतपुर एक नगर जो राय अहमद ने सन 1648 आबाद किया। अहमद का वड्डा वडेरा तुलसी राम राजपूत मुसलमान हो गया सी, जिसका नाम शेख चक्कू प्रसिद्ध है। अहमद के भाई राय कमाल दीन ने जगराओं आबाद किया। इसके पुत्र कला राय ने कई बार श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अपने घर ठहरा के सेवा की। उसकी माता गुरु साहब विच भारी श्रद्धा रखती सी। छोटे साहबजादे के शहीद होने का हाल कला राय ने अपना दूत भेज के मालूम किया अते दशमेश जी ने दसिया। गुरु साहब ने कले राय नू एक तलवार बख्श के फरमाया सी कि जब तक इसका सम्मान करोगे राजभाग कायम रहेगा। कले का पोता तलवार पहन के शिकार गया और घोड़े तो डिग के उसे तलवार नाल जख्मी होकर मर गया। हुण ये तलवार रियासत नाभा दे थ्रो पाओ गुरुद्वारे विच है। पीर तलवार कलगी धरती जो कले राय नू बख्शी सी कोटले वाले नवाब साहब के जरिए महाराजा जसवंत सिंह नू मिली। उस उत्ते अंग्रेजी भी जनेवा GENOA लिखा होया है। इटली का जनोवा इटली का प्रसिद्ध शहर है। इत्थे पुराने समय आला दर्जे दियां तलवारां बनदियां सन। जब यूरोप के व्यापारी हिंदुस्तान आउण लगे तद उस दियां तलवारां साडे देश विच आईयां। इस तरह यह तलवार इटली की बनी हुई किसे श्रद्धालु ने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं अर्पण की और गुरदेव पिता ने राय कले की सेवा से खुश होकर वो तलवार राय कले नूं सौंप दी। सत्कारियो खालसा जी, मैं अपनी वालों कोशिश की है कि गंगा सागर किवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के घर कमलों तो राय कले नूं बख्शिश होया उस बारे जानन की कोशिश करा। लेकिन सिख इतिहास विचों मैं अपनी खोज मुताबक अज तक किसी नतीजे ते नहीं पहुँच सकया। मैं राय साहब का शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने यदि इन्फॉर्मेशन एक लीफलैट विच लिख के उन्हें संगतां तक पहुँचाउणी है और उसकी एक परत मेरे को भी मौजूद है। मेरे लिए होर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं बाकी दे रेफरेंस सिख इतिहास से चैक करांगा ताकि इसकी अथेंटिसिटी बारे पूरा यकीन हो सके। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पवित्र बख्शिश 300 साल तो वधीक समय तो राय साहब का परिवार सामभ के बैठा है। असी उन्होंने धन्यवादी हाँ कि अज असी उस गंगा सागर के दर्शन करांगे। ज़्यादा कुछ ना कहा क्योंकि होर भी बहुत सारिया जिम्मेवारियां प्रधान साहब ने तुहाडे नाल इन्फॉर्मेशन इस बारे देनी है तो अज इन्ना ही प्रवान करना। अगे तो अपनी रूटीन मुताबक ये ढाडी जथा तुहाडी सेवा विच सिख इतिहास नूं सुना के तुहाडियां खुशियां हासिल करता रहेगा। आप वालों बेनत मैं अरदास होई सतगुरु जी नामदान बख्शन, दासां नूं आग्या बख्शो, अगला प्रोग्राम सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड बुजुर्गों, भैनों भाइयों, सब तो पहले तो मैं थानू सारियां नूं वैसाखी दी ते नवें साल दी दिल की गहराइयां तो मुबारकबाद पेश करदा। मैं बहुत छोटे जे नोटिस से इत्थे आण दा इन्हां नाल वादा कर लिया। स्कारब्रो में आया होया सी उत्थे दे गुरुद्वारा साहिब दी संगत दी रिक्वेस्ट ते। बट इट इज़ इंडीड अ ग्रेट ऑनर एंड अ प्रिवलेज फॉर मी कि गुरु साहब दी पवित्र बख्शिश और उन्हां दी अनमोल निशानी नूं अगर एक नज़र देख के गुरु साहब के श्रद्धालुओं नूं इत्मीनान और खुशी मिलती है तो मेरे लिए भी एक खुशकिस्मती की गल है। ब्रीफली आई वुड लाइक टू टेल यू द स्टोरी ऑफ गंगा सागर एंड अ फ्यू वर्ड्स अबाउट माई ओन फैमिली बिकॉज वेर एवर आई गो इन द वर्ल्ड मेरे बुजुर्ग मेरे भैन भाई कल्ले कल्ले बहुत बारी मेरे को कई सवाल पूछते हैं। सो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल अ फ्यू थिंग्स विच एवरीबडी वुड वॉन्ट्स टू नो। ये गुरु साहब की पवित्र बख्शिश और उन्होंने अनमोल निशानी जी गंगा सागर थोड़े सामने इस वेले है
1705 जनवरी दे विच आज तो तकरीबन 300 साल पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने मुबारक हत्था नाल साडे बुजुर्ग राय कला जी नूं बख्शी। और मेरे नज़दीक और मेरी फैमिली दे नज़दीक इहदी इही सब तो वड्डी वडियाई है कि गुरु साहब दे पवित्र हत्थ इहनूं लगे ने और उन्होंने एज ए परसनल गिफ्ट उन्होंने राय कला जी नूं बख्शिया। जिवें कि हुणी मेरे बहुत ही मोहतरम सरदार कुलवंत सिंह जी ने दस्या, आनंदपुर साहब का किला छड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी ने फौरी बाद ही चमकौर साहब के युद्ध में उन्होंने वड्डे दो साहबजादे साहबजादा अजीत ते जुझार सिंह जी अल्लाह नूं प्यारे हुए, माता जी ते छोटे मासूम जिहड़े साहबजादे सन वह विछड़ गए और माछीवाड़े के जंगलों विचों गुरु साहब ने वह सफ़र किया। वो ऐसा भयानक समा सी कि पत्ता पत्ता भी डरदा सी और कोई गुरु साहब नूं निवास दे के कई जिवें दस्या उन्होंने महंत कृपाल दास वर्गे जिन्होंने मोढ़े ना मोढ़ा ला के कई युद्धां दे विच उन्हां दा साथ दिता सी, वह भी घबरा गए थे औरंगजेब दीआं फौजां तों और निवास नहीं जी दिता ते हथ जोड़ दिते सी कि बाबा जी अगे चले जाओ। वह भयानक समा सी जिस वेले रायकोट रियासत जिहड़ी कि उस वेले एक मुस्लिम स्टेट सी और राय कला जी मेरे बुजुर्ग उस मुस्लिम स्टेट के रूलर सन उस वेले उन्होंने गुरु साहब नू जी आया नू आख्या। जो मैं राय कला जी का नाम लैंदा तो मेरा सिर फखर नाल उच्चा हो जाता है कि उस उन्होंने दूजे धर्म नाल संबंधित हुंदिया होया उन्होंने जुल्म ज्यादती ते बेइंसाफी के खिलाफ गुरु साहब की सेवा नू हर गल तो ज़्यादा अहमियत दिती। ये साडे लिए हमेशा रहिंदी दुनिया तक एक मान रहेगा एंड वी विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। जदों गुरु साहब रायकोट की धरती से पहुँचे सी ते नूरा माही उन्होंने उत्थे मिलिया जिहड़ा कि राय कला जी का मझां चारण वाला नौकर सी। इतिहास विच आंदा है कि उन्होंने दुध छकाण का किया पहले शायद पानी मंगया उत्थे नेड़े तेड़े पानी है नहीं सी ते नूरे ने कहा कि जी मैं मझां भी चो के आया है ना चो किसी ने दुध नहीं देना। तो गुरु साहब ने यह गंगा सागर जिहड़ा उन्होंने कोल उस वेले मौजूद सी जदों रायकोट की धरती से पहुँचे ये उन्होंने वो वालों बताया तो क्या तो रब का नाँ लैके तू किसी भी मझ नूं या झोटी नूं थापी दे। नूरा हैरान होया लेकिन उन्हें बुजुर्गों के मूँह क्या हुआ लफ्ज़ मन के एक मझ नूं थापी दिती तो उन्हें दुध ला लिया इस गंगा सागर के विच चो के गुरु साहब नूं छकाया। इस वाक्य तो फौरी बाद नूरा अपने मालिक राय कला जी कोल दौड़िया गया कि कोई रब का नेक बंदा कोई पहुँचया होया बुजुर्ग साड़ी धरती से आया तो तुसी फौरी पहुँचो। राय कला जी फौरी उन्हां दी खिदमत विच हाज़र हुए गुरु साहब की खिदमत विच और उन्होंने उन्होंने पछाण लिया और सेवा पूछी और यह कहा कि तुसी साडे मेहमान हो साडी खुशकिस्मती होएगी तुसी जिन्ना चिर खुशी नाल साडे को रहना चाहो रहो। गुरु साहब ने जदों सेवा राय कला जी ने पूछी तो उन्होंने कहा कि साडे छोटे साहबजादियां दी खबर मंगवा के दो। इत्थे मैं दसना चाहवांगा कि माछीवाड़े का इलाका जिवें मेरे एक भाई ने बहुत ही मोहतरम मेरे रिस्पैक्टेड भाई ने दसिया कि वह माछीवाड़े दी हदा नबी खां ते गनी खां ते दो सिंघां ने कोई कहिंदे ने डोली विच बिठा के कोई कहिंदे ने पलंग ते बिठा के उच दे पुईर दे रूप विच हद पार कराई सी। इन्ना औखा समां सी उन्हां दी जिंदगी दा। ते नूरा माही जिवें मैं दस रहा सी कि सरहंद जा के वह खबर आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट ट्रैजिक न्यूज़ ऑफ गुरु साहब लाइफ कि उन्होंने दो मासूम साहबजादे साहबजादा फतेह सिंह जी और साहबजादा जोरावर सिंह जी जिन्हों की उम्र 5 साल 10 महीने तो 7 साल 11 महीने सन उस वेले उन्होंने जिंदा नीह में चिण के शहीद कर दिता गया से माता गुजरी जी ने भी जान दे दी। दिस इज़ द न्यूज़ विच गुरु साहब गॉड वाइल ही वॉज इन रायकोट और उस वेले उन्होंने तीर की नोक नाल काही का बूटा पुटिया सी किया सी इस तरह जालिम मुगलों का राज इवें हुण पुटिया गया। तो मैं जदों अपने बुजुर्गों का गल करदा अल्लाह ताला का शुक्र है कि सानू उन्हां दे इस नेक कदम से नोबल एंड ब्रेव कदम से बड़ा माण है कि उन्होंने जायदाद रियासत तो बहुत मामूली गल है अपनी और अपने बच्चों दी भी जानां दी परवाह नहीं की। गुरु साहब ने उतों जान लगे एक मुसलमान सेवक तो खुश हो के
तीन चीज़ां बख्शियां सन, एक गंगा सागर, एक श्री साहब, एक लकड़ी दी रहेल पोथी धर के पढ़न वाली जड़ी छोटी जी हुंदी है। लकड़ी दी रहेल, लकड़ी दा होन कारण इन्नी देर सुरक्षित नहीं रह सकी, 300 साल बहुत ही लम्मा समा हुंदा है। ते साड़ी फैमिली दी हिस्ट्री दे मुताबिक श्री साहब अंग्रेज़ां ने 1854 दे विच अपनी हुकूमत दे जोर ते साडे इक आगू कोलों लै लई। एक जगह इतिहास जे कहा जाता है कि गुरुद्वारा सिरपाओ, नाभा गुरुद्वारा सिरपाओ दे विच मौजूद है। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन हले टू द फैमिली इट इज़ नॉट कन्फर्म कि साढ़े फैमिली के मुताबिक 1854 दे विच वो अंग्रेज़ां ने लैके ते अपनी मलका नूं या बादशाह नूं बरतानिया ब्रिटेन भेज दिती। गंगा सागर गुरु साहब की पवित्र बख्शिश असी पिछले 300 साल तो सीने दे नाल ला के संभाली हुई है। एंड आई हैव ट्राइड, माय एल्डर्स हैव ट्राइड के अपनी अटमोस्ट बाद असी उन्हों गुआ पैने हैं या खराब कर पैने हैं, लेकिन अल्लाह ताला दा मैं बहुत ही ममनून और एहसान मंद हाँ कि जो थोड़ी बहुत मेरी सूझबूझ है असी गंगा सागर नूं बहुत ही रिस्पैक्ट ना रखने की कोशिश की है। और यही वजह है कि इन्ना लंबा समा गुजरन तो बाद अल्लाह का शुक्र है कि मुनासिब और सोहने ढंग ने इसकी हिफाजत करन विच असी कामयाब हुए। ताने तो जीरे तक उत्थे दे आगू सन नाम सी ओ ऑनररी मैजिस्ट्रेट एंड ही वॉज ऑल्सो सब जज एट द हेड ट्राई कोर्ट। ओ सिख संगत नूं साल विच एक वारी गुरुद्वारा टालियाणा साहब तो जो जलूस की शक्ल चाहती थी पोले महीने जनवरी गुरपुरब के विच दे मौके पर गंगा सागर के साल एक बारी दर्शन कराते होंगे। और संगत की ख्वाहिश होंगी सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी के मुबारक हाथ जिस बर्तन नूं लगे हुए ने इहदे विचों जल पा के संगत नूं वरताया जाए, क्योंकि श्रद्धा के हिसाब नाल समझदे सी कि असी बहुत वड्डे भागी होवांगे कि एक कतरा भी इस बर्तन चों निकलिया होया किसी नूं नसीब हो जाए। So that was done once a year by my grandfather Raya Nayat Khan. 1947 de vich he migrated to Pakistan along with his one son, the only son he had. Meri char peediyan ton ik ik beta hai family de vich. My grandfather was one, my father was the only son, main mera beta vi ek ek hai. Main isliye dass reha hai ki mainu duniya de vich kai jagah puchhya gaya hai ki Raya sahab Ganga Sagar da दे बारे बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बच्चों नूं और कई वड्डियां नूं भी पता नहीं है गुरु साहब की बख्शिश इहदी हिस्ट्री कित्थे है और किस फैमिली कोल हैगी बख्शिश दी और वो फैमिली हुण कित्थे है। मैं इत्थे सिर्फ बच्चों की बेनीफिट लई और कई बजुर्गों की बेनीफिट लई दसांगा, बहुत किताबों के विच इहदा जिक्र है, लेकिन एक चीज़ जिहड़ी ईजीली तुसीं नोट कर सकते हो वह महान कोश है भाई कान सिंह नाभा, दैट इज़ इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिख लिटरेचर। उहदा पेज 311 311 पन्ना है, उहदे विच तुसीं देख लेना राय कल्ला उहनां दी सेवा और गुरु साहब की बख्शिश के बारे। तो मैं दस रहा सी कि पाकिस्तान बनन तो बाद मेरी पैदाइश पाकिस्तान की है 1951 दी। आई लॉस्ट माई ग्रैंड फादर वैन आई वॉज ओनली 1.5 ईयर ओल्ड। आई लॉस्ट माई मदर वैन आई वॉज ओनली 4 ईयर ओल्ड। जदों मैं 6.5 साल का सी मेरे पिता जी भी अल्लाह नूं प्यारे हो, दादी ने मैनू पालिया और उन्होंने मूँह ही मैनू गंगा सागर की महत्ता इस महान बख्शिश के बारे दे विच और वो सत्कार और वो मुहब्बत जी रायकोट के सिख संगत वालों साडे परिवार को उस सेवा की वजह ना मिलती थी और इस निशानी की वजह ना मिलती थी वो बारे पता लग गया। दादी जी मेरे मैनू भी गंगा सागर को हाथ नहीं सी लाण देंदे जो मैं छोटा जिहा सी, बिकॉज वो चाहते थे कि वड्डा हो के पहले समझे कि चीज़ की है, किड्डी वड्डी महान हस्ती की किड्डी वड्डी निशानी है, एंड अकॉर्डिंगली ही शुड नो फर्स्ट वॉट इट इज एंड दैन ही शुड बी अलाउड टू टच इट। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत उल फिरदौस जगह देवे, उन्होंने गल्लां मैं पल्ले बनियां। इहदा सत्कार और रायकोट की मुहब्बत बचपन तो मेरे दिल दे विच रही और मैं अपना एक डिसीजन ले लिया कि आई मस्ट टेल दी संगत गुरु साहब के श्रद्धालुओं को कि अगर पाकिस्तान इंडिया के हालात आपस चंगे नहीं
Then I traveled to different parts of the world on my own, to Europe, Far East, Australia, America, Canada. That is when I decided कि आई मस्ट लेट दी संगत नो के गुरु साहब की वही बख्शिश बहुत ही एहतराम ना रिस्पेक्ट ना उसे फैमिली ने संभाली गई एंड दैट इज हाउ द दर्शन ऑफ गंगा सागर स्टार्टेड आफ्टर 1947 इन 1994 इन लंडन यूके उस तो बाद फिर मैंने जिन्ना मोहब्बत मिली मेरे बुजुर्गों के मित्र मिल गए रायकोट पढ़न वाले मेरे दादा जी के हथों दर्शन करने वाले मिल गए मैंने बहुत ही खुशी हुई मैंने उन्होंने अपने बच्चों वांगों प्यार दिता मैं उन्होंने बहुत बहुत ममनून है उन्होंने बहुत ही शुक्रगुजार हाँ 1999 300 साल से मैं उस वेले बादल सरकार थी पंजाब उन्होंने वालों श्रोमणी कमेटी वालों और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी वालों जिदे कि उस वेले प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह सन अज चीफ मिनिस्टर ने पंजाब के इन तिना वालों मैं सदे आए एज ए स्पैशल गैसट to attend the functions of Tinsel Sala at Anandpur Sahib. That was really a great privilege and an honor for me to share the happiness of Khalsa Panth on that historic occasion at Anandpur Sahib. So, mere liye bahut hi bada ek yaadgari mauka thi. It was a great honor for me to be present there. Us to baad main Punjab government to special permission leke Gurdwara Fatehgarh Sahib gaya. I paid my respect there. Gurdwara Thanda Burj Sahib naal hi hai. उत्थे मैं गया फिर रायकोट अपने जद्दी नगर दाखिल होने तो पहले मैं गुरुद्वारा टालियाना साहब जाके अपनी रिस्पैक्ट पेश की जिसे गुरु साहब के मुबारक कदम पाए सन और उन्होंने याद में उसे गुरुद्वारा साहब बनाया गया जदों मैं रायकोट शहर में गया तो उत्थे दे बुजुर्गों ने भैन भाइयों ने मेरा इस तरह स्वागत किया कि शायद ही कभी किसी का किसी नगर में स्वागत पाया मैं अल्लाह ताला का बेहद ममनून है और मैनू नहीं सी जानते कि कौन है लेकिन मेरे बुजुर्गों दियाँ चंद चंगी गल्ला उन्होंने दिल में हले भी ताज़ा सन उन्होंने मिठाइया वंडिया मैनू हारा लद दिता साड़ी अपनी हवेली जी अभी छड़ के गए थी उसे 500 बंदे इनवाइट करके दावत दिती गई खाने दिते गए चाननिया ला के इट वॉज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी फिर सानू वो कमरा दिखाया गया जिसे गुरु साहब की बख्शिश मेरे बुजुर्ग सजाते होंगे उपरली मंजिल दी उसे हूँ सिख सरदार फैमिली ने जिड़ी कि ननकाणा साहब से जाके रायकोट बैठी है उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश उसे किया सो दैट वॉज अ वेरी वेरी हिस्टोरिक ओकेजन फॉर मी आनंदपुर साहब जाना भी और रायकोट जाना भी तो मेरी ये अल्लाह ताला तो दुआ है और अरदास है कि अल्लाह ताला तुहानू सारियां नू खुश रखे मेरे लिए भी दुआ करना कि असी राजी खुशी रहीए और गुरु साहब के मुबारक कदम पैण नाल जिहड़ी इत्थे प्यार मुहब्बत की सांझ बनी है वह हमेशा कायम रहे मेरा कोई भाई बुजुर्ग भैन कोई मेरे नाल गल करना चाहे फोटोग्राफ खिचानी चाहे दे मोस्ट वेलकम मैं जल दे बारे दसना चाहवागा कि मेरे लिए मेरे बुजुर्गों लिए मैं जिमें पहले अर्ज की है कि यदि सब तो वड्डी महत्ता गुरु साहब से पावन शो प्राप्त होना है ये कोई शक नहीं होर एक भी खूबी बहुत वड्डी खूबी है कि कमाल महारत में बनी चीज़ ये रेता गिर जाती है इट हैज होल्स अराउंड इट्स बैली एंड होल्स एट द बेस ऑलसो रेता गिर जाती है दुध और जल ये भर जाता दिस इज हाउ इट वॉज मेड दिस इज हाउ इट वॉज एंड गुरु साहब हैड इट दिस इज हाउ इट वॉज एंड ही गेव इट टू आर एल्डर साडे लिए तो कोई मिट्टी का प्याला भी दे जाते उन्होंने हाथ लगे होंगे तो वो अहमियत वह सत्कार इन्ना ही होंगे जिन्ना इस गंगा सागर का है इसलिए मैं कहूँगा कि मैं ये जल बहुत घट पाना है और पाना इस नीयत नाल कदी कदी हाँ कि गुरु साहब ने श्रद्धालु अगर दिलों ये चाण के इस बर्तन चो निकलिया कतरा अगर उन्होंने नसीब होवे तो वड़ भागी समझेंगे अदरवाइज आई डोंट डू इट फॉर एनी अदर रीजन जेडे कि मेरे बुजुर्ग मेरे भाई कई बार लफज कट देंगे कि विल यू डेमोन्स्ट्रेट इट आई डोंट लाइक द वर्ड आई डोंट एवर यूज द वर्ड मैनू एक सरदार अपने सी मलेशिया में गया इंडियन हाई कमिश्नर हिज वाइफ वो सरदार फैमिली सन वो मैं दर्शन कर आए गंगा सागर के मैं कहते जी कि राय साहब गंगा सागर नू किसी नू हाथ ना लान दिया करो ये एड्डी वड्डी अनमोल चीज़ है यदि हिफाजत भी ओडी वड्डी जिम्मेदारी है एंड आई फुली एग्री विद हिम मैं लंडन के यूके एंटीक एक्सपर्ट ने कहा कि इट शुड नॉट बी टच्ड एट ऑल
लेकिन मैं एक हथों मजबूर हो जाना है कि जो मैं संगत के चेहरे से एक आस और एक उम्मीद देखदा कि गुरु साहब दे इनू हाथ लगे सन असी मामूली जहाँ रिस्पैक्टफुली टच कर लीए तो मैं वे मेरे को इनकार नहीं कर पाता। दैट इज़ द ओनली रीजन। तो मैं कहना कि तुम मुहब्बत नाल प्यार नाल इनू टच कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू तोडे गुरु साहब की मेरे लिए भी मैं कहना बहुत ही वड्डी एक मुतबरक निशानी है मुकद्दस निशानी है। अल्लाह ताला सानू हिम्मत और रफीक देवे और अकल देवे कि इस तरह सत्कार ना साड़ियाँ आने वाली पीढ़ियाँ भी इदा रिस्पेक्ट और सत्कार रख सकन। मैं आइंदा के भी ढुकमे मौके से अज मैं जल नहीं पावांगा। इट वॉज़ अ वेरी शॉर्ट नोटिस। जे किसी ले इतने चार मैं सुने चार पाँच गुरुद्वारा साहबान हैं अगर मैं कितने वैसे कैनेडा दोबारा आया चरणपाल सिंह जी नूं कि मैं फिर तुसी इकट्ठे हो जाना सारी संगत सारी नूं भी पता होवे ताकि इको बारी जल पाइए तो फिर जिस मेरे बुजुर्ग जिस मेरी भैन पाई दे ये ख्वाहिश होवे ताकि वह सारे जल ले सकन। आइंदा फिर जो भी अल्लाह नूं मंजूर होया मैं हाजिर होवांगा। इन्हां अल्फाज़ नाल मैं माजरत चाहना जे कोई मेरे तो गलत गल हो गई होवे तो मैनू माफ करना। मैं इन्हां गल अल्फाज़ नाल ही थोड़े को महाराज के चरण में अंत को भी कर रहे हुए सबू जी जी ने भी महाराज
उत्ते हमला हो गया। हमलावरों की गिनती 10 लाख, मुकाबले से 43 सिंह। ये किसी आम इतिहासकार ने ज शायर ने यह डेटा सानू दिता होंदा शायद असी यकीन ना कर रहे। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब न फतेह की चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के विचों एक शेर मैं तुहाडे सामने अपने कथन की पुष्टि वास्ते पेश करना चाहता हाँ। हजूर कहिंदे ने गुर स्नेह के कारे कुनंद चेहल नर के दह लख पर आयत परो बेखबर। सतगुरु कहिंदे ने 10 लाख ने इन्नी तेजी नाल हमला किया जिहदी तवक्को नहीं। शायद गुरदेव समझदे होण कि अजे फौजा आउण विच कुछ देर हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो पाया। गरीब नवाज के विरुद्ध लड़ाई शुरू हो गई। जितों दे चाहवान अगे वधे उन्हां 40-42 सूरमिया ने पहला अपनिया बंदूकां खर कीतियां, फिर उन्होंने अपने तीर और खून की वरतों की थी। एक एक गोली कईयां विच थी, एक एक तीर कईयां विच थी। लंघ गया सुका, मोर दीआं लाशां धरती ते डिगियां। फौज पिछे हटाउणी पई। वजीर खान सोची पै गया कि सानू दित्ती हुई खबर गलत है। ज्यादा गुरु गोबिंद सिंह नूं रातों रात को मदद पहुंच गई है, ते जां गुरु गोबिंद सिंह एक पैगंबर होने के नाते कोई अपनी करामात राही साडा नुकसान कर रहे हैं। सोचने तो बाद नवी स्कीम बनी कि इस हवेली उत्ते पौड़ियां ला के चढ़िया जाए और अंदर उतर के दरवाजे खोल दिते जाण ताकि मुगलई फौजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड बुजुर्गों, भैनों भाइयों, सब तो पहले तो मैं तुहानू सारिआं नूं विसाखी दी ते नवें साल दी दिल दी गहराइयां तो मुबारकबाद पेश करदा। मैं बहुत छोटे जे नोटिस ते इत्थे आण दा इन्हां नाल वादा कर लिया। स्कारब्रो मैं आया होया सी, उत्थे दे गुरद्वारा साहिब दी संगत दी रिक्वेस्ट ते। But it is indeed a great honor and a privilege for me कि गुरु साहब की पवित्र बख्शिश और उन्होंने अनमोल निशानी नूं अगर एक नज़र देख के गुरु साहब के शरदालुओं नूं इत्मीनान और खुशी मिलती है तो मेरे लिए भी यह खुशकिस्मती की गल है। Briefly, I would like to tell you the story of Ganga Sagar and a few words about my own family. Because wherever I go in the world, मेरे बुजुर्ग, मेरे भैन भाई कल्ले कल्ले बहुत बारी मेरे कोलों कई सवाल पूछते हैं। सो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल अ फ्यू थिंग्स विच एवरीबडी वुड वॉन्ट टू नो। ये गुरु साहब की पवित्र बख्शिश और उन्होंने अनमोल निशानी जड़ी गंगा सागर थोड़े सामने इस वेले है। ये 1705 जनवरी दे विच आज तो तकरीबन 300 साल पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने मुबारक हत्था नाल साडे बुजुर्ग राय कला जी नूं बख्शी। और मेरे नज़दीक और मेरी फैमिली के नज़दीक इहदी इही सब तो वड्डी वडियाई है कि गुरु साहब के पवित्र हथ इहनूं लगे ने और उन्होंने एज ए परसनल गिफ्ट उन्होंने राय कला जी नूं बख्शिया। जिवें कि हुणी मेरे बहुत ही मोहतरम सरदार कुलवंत सिंह जी ने दस्सिया, आनंदपुर साहब का किला छड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी ने फौरी बाद ही चमकौर साहब के युद्ध में उन्होंने वड्डे दो साहबजादे साहबजादा अजीत ते जुझार सिंह जी अल्लाह नूं प्यारे हुए। माता जी ते छोटे मासूम जिहड़े साहबजादे सन वह विछड़ गए और माछीवाड़े के जंगलों विचों गुरु साहब ने वह सफ़र किया। वो ऐसा भयानक समा सी कि पत्ता पत्ता भी डरदा सी और कोई गुरु साहब नूं निवास दे के कई जिवें दस्सिया उन्होंने महंत कृपाल दास वर्गे जिन्होंने मोढ़े ना मोढ़ा ला के कई युद्ध युद्धा दे विच उन्हां दा साथ दिता सी, वह भी घबरा गए थे औरंगजेब दीआं फौजां तों और निवास नहीं सी दिता ते हथ जोड़ दिते सी कि बाबा जी अगे चले जाओ। वह भयानक समा सी जिस वेले रायकोट रियासत जिहड़ी कि उस वेले एक मुस्लिम स्टेट सी और राय कला जी मेरे बुजुर्ग
उस मुस्लिम स्टेट के रूलर सन उस वेले, उन्होंने गुरु साहब नू जी आया नू आख्या। जो मैं रायकला जी का नाम लैंदा तो मेरा सिर फखर नाल उच्चा हो जाता है कि उस उन्होंने दूजे धर्म नाल संबंधित हुंदिया होया उन्होंने जुल्म ज्यादती ते बेइंसाफी के खिलाफ गुरु साहब की सेवा नू हर गल तो ज़्यादा अहमियत दिती। ये साडे लई हमेशा रहिंदी दुनिया तक एक मान रहेगा एंड वी विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। जदों गुरु साहब रायकोट की धरती से पहुँचे सी ते नूरा माही उन्होंने उत्थे मिलिया जिहड़ा कि रायकला जी का मझां चारण वाला नौकर सी। इतिहास में आंदा है कि उन्होंने दुध छकाण का किया पहले शायद पानी मंगया उत्थे नेड़े तेड़े पानी है नहीं सी ते नूरे ने कहा कि जी मैं मझां भी चो के आया इन्हां चो किसे ने दुध नहीं देना। तो गुरु साहब ने यह गंगा सागर जिहड़ा उन्होंने कोल उस वेले मौजूद सी जदों रायकोट की धरती से पहुँचे ये उन्होंने उहदे वल नूं वधाया ते कहा ते रब का नाम लैके तू किसी भी मझ नूं या झोटी नूं छापी दे। नूरा हैरान होया लेकिन उन्हें बजुर्गों के मूँहों कहा हुआ लफज मन के एक मझ नूं छापी दित्ती ते उन्हें दुध ला लिया इस गंगा सागर दे विच चो के गुरु साहब नूं छकाया। इस वाक्य तो फौरी बाद नूरा अपने मालिक रायकला जी को दौड़िया गया कि कोई रब का नेक बंदा कोई पहुँचया होया बजुर्ग साड़ी धरती से आया तो तुसी फौरी पहुँचो। रायकला जी फौरी उन्होंने खिदमत में हाजिर हुए गुरु साहब की खिदमत में और उन्होंने उन्होंने पछाण लिया और सेवा और खुशी ना साढ़े को रहना चाहो रखो। गुरु साहब ने जदों सेवा रायकला जी ने पूछी तो उन्होंने कहा कि साढ़े छोटे साहबजादियों की खबर मंगवा के दो। इत्थे मैं दसना चाहवांगा कि माछीवाड़े का इलाका जिवें मेरे एक भाई ने बहुत ही मोहतरम मेरे रिस्पैक्टेड भाई ने दसिया कि वह माछीवाड़े दी हदां नबी खां ते गनी खां ते दो सिंघां ने कोई कहिंदे ने डोली विच बिठा के कोई कहिंदे ने पलंग ते बिठा के उच दे पुईट दे रूप विच हद पार कराई सी। इन्ना औखा समां सी उन्हां दी जिंदगी दा। ते नूरा माही जिवें मैं दस रहा सी कि सरहंद जा के वह खबर आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट ट्रैजिक न्यूज़ ऑफ गुरु साहब लाइफ कि उन्होंने दो मासूम साहबजादे साहबजादा फतेह सिंह जी और साहबजादा जोरावर सिंह जी जिन्हों उम्र 5 साल 10 महीने तो 7 साल 11 महीने सन उस वेले उन्होंने जिंदा नीह में चिण के शहीद कर दिता गया सी। ते माता गुजरी जी ने भी जान दे दी। दिस इज़ द न्यूज़ विच गुरु साहब गॉट वाइल ही वॉज इन रायको और उस वेले उन्होंने तीर की नोक नाल काही का बूटा पुटिया सी। क्या सी इस तरह जालिम मुगलों का राज इवें हुण पुटिया गया। तो मैं जदों अपने बुजुर्गों का गल करदा अल्लाह ताला का शुक्र है कि सानू उन्होंने इस नेक कदम से नोबल एंड ब्रेव कदम से बड़ा माण है कि उन्होंने जायदाद रियासत तो बहुत मामूली गल हैं अपनी और अपने बच्चों दी भी जानां दी परवाह नहीं की। गुरु साहब ने उतों जान लगे एक मुसलमान सेवक तो खुश होकर 3 चीज़ा बख्शिया सन एक गंगा सागर एक सिरी साहब एक लकड़ी की रेहल पोथी धर के पढ़न वाली जड़ी छोटी जी होंगी है। लकड़ी की रेहल लकड़ी का होने कारण इन्नी देर सुरक्षित नहीं रह सकी 300 साल बहुत ही लम्मा समा होंदा है। तो साड़ी फैमिली की हिस्ट्री के मुताबिक श्री साहब अंग्रेज़ों ने 1854 दे विच अपनी हुकूमत के जोर से साढ़े एक आगू को लै ली। एक जगह इतिहास जे कहा जाता है कि गुरद्वारा सिरपाओ नाभा गुरद्वारा सिरपाओ दे विच मौजूद है। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी लेकिन हले टू द फैमिली इट इज़ नॉट कन्फर्म कि साढ़े फैमिली के मुताबिक 1854 दे विच अंग्रेज़ों ने लैके तो अपनी मलका नू या बादशाह नू बरतानिया ब्रिटेन भेज दिती। अल्लाह का शुक्र है गंगा सागर गुरु साहब की पवित्र बख्शिश असी पिछले 300 साल तो सीने के नाल ला के संभाली हुई है। एंड आई हैव ट्राइड माई एल्डर्स हैव ट्राइड के अपनी अटमोस्ट एबिलिटी के मुताबिक इस नू बहुत ही सत्कार और रिस्पैक्ट न रखा जाए। इसे मैं ये कहना चाहवागा कि असी किन्नी भी डियर चीज़ खरीद लईए किन्नी भी प्यारी चीज़ होवे कुछ अर्सा बाद असी उन्हों गुआ पैंदे हैं या खराब कर पैंदे हैं। लेकिन अल्लाह ताला दा मैं बहुत ही ममनून और एहसान मंद हाँ
कि जो थोड़ी बहुत मेरी सूझबूझ है अति गंगा सागर नूं बहुत ही रिस्पेक्ट ना रखने की कोशिश की है और यही वजह है कि इन्ना लंबा समा गुजरन तो बाद अल्लाह का शुक्र है कि मुनासिब और सोहने ढंग ना इहदी हिफाजत विच करन विच असीं कामयाब होए हैं। ताने तो जीरे तक उत्थे दे आगू सन नाम सी ओ ऑनररी मैजिस्ट्रेट एंड ही वॉज ऑल्सो अ सब जज एट द हेड राई कोर्ट। ओ सिख संगत नूं साल विच एक वारी गुरद्वारा टालियाणा साहब तो जो जलूस की शक्ल चाहती थी पोह के महीने जनवरी गुरपुरब के विच दे मौके ते गंगा सागर दे साल एक बारी दर्शन कराते होंगे और संगत की ख्वाहिश होंगी सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी के मुबारक हाथ जिस बर्तन नूं लगे हुए ने इहदे विचों जल पा के संगत नूं वरताया जाए क्योंकि श्रद्धा के हिसाब नाल समझ देते कि असी बहुत वड्डे भागी होवांगे कि एक कतरा भी इस बर्तन चो निकलिया होया किसी नूं नसीब हो जाए। So that was done once a year by my grandfather Raya Nayak Khan. 1947 de vich he migrated to Pakistan along with his one son, the only son he had. Meri char peediyan ton ik ik beta hai family de vich. My grandfather was one, my father was the only son. Main kalla hi si, mera beta bhi ek ek hai. Main isli dass reha ki mainu duniya de vich kai jagah puchhya gaya hai ki Raya sahab Ganga Sagar da दे बारे बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बच्चों और कई वड्डियां भी पता नहीं है गुरु साहब की बख्शिश इहदी हिस्टरी कित्थे है और किस फैमिली को हैगी बख्शिश थी और वो फैमिली हुण कित्थे है। मैं इत्थे सिर्फ बच्चों की बेनीफिट लई और कई बुजुर्गों की बेनीफिट लई दसांगा। बहुत किताबों के विच इहदा जिक्र है लेकिन एक चीज़ जिहड़ी ईजीली तुसीं नोट कर सकते हो वह महान कोश है भाई कान सिंह नाभा जी, दैट इज़ इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिख लिटरेचर। उहदा पेज 311 311 पन्ना है, उहदे विच तुसीं देख लेना राय कल्ला उहनां दी सेवा और गुरु साहब की बख्शिश के बारे। तो मैं दस रहा सी कि पाकिस्तान बनन तो बाद मेरी पैदाइश पाकिस्तान की है 1951 की। आई लॉस्ट माई ग्रैंड फादर वैन आई वॉज ओनली 1.5 ईयर ओल्ड। आई लॉस्ट माई मदर वैन आई वॉज ओनली 4 ईयर ओल्ड। जदों मैं 6.5 साल का सी मेरे पिता जी भी अल्लाह नूं प्यारे हो, दादी ने मैनू पालिया और उन्होंने मूँह ही मैं गंगा सागर की महत्ता इस महान बख्शिश के बारे दे विच और वो सत्कार और वो मुहब्बत जी रायकोट के सिख संगत वालों साढ़े परिवार को उस सेवा की वजह न मिलती सी और इस निशानी की वजह न मिलती सी बारे पता लग गया। दादी जी मेरे मैनू भी गंगा सागर को हाथ नहीं सी लाण देंदे जदों मैं छोटा जिहा सी, बिकॉज वो चाहते थे कि वड्डा होकर पहले समझे कि चीज़ की है, किड्डी वड्डी महान हस्ती की है, किड्डी वड्डी निशानी है, एंड अकॉर्डिंगली ही शुड नो फर्स्ट वॉट इट इज एंड दैन ही शुड बी अलाउड टू टच। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला उन्होंने जन्नतुल फिरदौस जगह देवे। उन्होंने गल्लां मैं पल्ले बनियां, इहदा सत्कार और रायकोट की मुहब्बत बचपन तो मेरे दिल दे विच रही और मैं अपना एक डिसीजन ले लिया कि आई मस्ट टेल दी संगत गुरु साहब के श्रद्धालुओं नूं कि अगर पाकिस्तान इंडिया के हालात आपस से चंगे नहीं, देन आई ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन माई ओन, टू यूरोप, फार ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कैनेडा। दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि आई मस्ट लेट दी संगत नो कि गुरु साहब की वही बख्शिश बहुत ही एहतराम ना रिस्पेक्ट ना उसे फैमिली ने संभाली हुई। एंड दैट इज़ हाउ दी दर्शन ऑफ गंगा सागर स्टार्टेड after 1947 in 1994 in London, UK. उस तो बाद फिर मैंने जिन्ना मुहब्बत मिली मेरे बुजुर्गों के मित्र मिल गए, रायकोट पढ़न वाले मेरे दादा जी के हथों दर्शन करन वाले मिल गए, मैंने बहुत ही खुशी हुई। मैंने उन्होंने अपने बच्चों वांगों प्यार दिता, मैं उन्होंने बहुत बहुत ममनून है, उन्होंने बहुत ही शुक्रगुजार हाँ। 1999 300 साल से मैं उस वेले बादल सरकार थी पंजाब, उन्हां वल्लों श्रोमणी कमेटी वल्लों और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी वल्लों जिहदे कि उस वेले प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह सन, अज वो चीफ मिनिस्टर ने पंजाब दे, इन्हां तिन्हां वल्लों मैनू सद्दे आए एज अ स्पैशल गैस्ट टू अटेंड दी फंक्शंस ऑफ 300 साला एट आनंदपुर साहिब। दैट वॉज रियली अ ग्रेट प्रिवलेज एंड एन ऑनर फॉर मी टू शेयर दी हैप्पीनेस ऑफ खालसा पंथ ऑन दैट हिस्टोरिक ओकेजन एट आनंदपुर साहिब। तो मेरे लिए बहुत ही वड्डा एक यादगारी मौका सी, इट वॉज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी प्रेजेंट देयर। उस तो बाद मैं पंजाब गवर्नमेंट तो स्पेशल परमिशन लैके गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब गया। आई पेड माई रिस्पेक्ट देयर,
गुरुद्वारा ठंडा बुरज साहिब नाली हैगा उत्थे मैं गया। फिर रायकोट अपने जद्दी नगर दाखिल होने तो पहले मैं गुरुद्वारा टालियाना साहब जाके अपनी रिस्पैक्ट पेश की जिते गुरु साहब के मुबारक कदम पे सन और उन्होंने याद में उसे गुरुद्वारा साहब बनाया गया। जो मैं रायकोट शहर में गया तो उत्थे दे बुजुर्गों ने भैन भाइयों ने मेरा इस तरह स्वागत किया कि शायद ही कभी किसी का किसी नगर में स्वागत पाया हो। मैं अल्लाह ताला का बेहद ममनून है, वह मैनू नहीं सी जानते कि कौन है, लेकिन मेरे बुजुर्गों दियाँ चंद चंगियां गल्लां उन्होंने दिल में हले भी ताज़ा सन। उन्होंने मिठाइया वंडियां, मैनू हारा ना लद दिता। साड़ी अपनी हवेली जिहड़ी असीं छड़ के गए थी उत्थे 500 बंदे नूं इनवाइट करके दावत दित्ती गई, खाने दिते गए चाननियां ला के। इट वॉज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। फिर सानू वो कमरा दिखाया गया जिथे गुरु साहब की बख्शिश मेरे बुजुर्ग सजाते होंगे उपरली मंजिल से सी उसे हूँ सिख सरदार फैमिली ने जिड़ी कि ननकाना साहब से जाके रायकोट बैठी है उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश उसे किया। सो दैट वॉज अ वेरी वेरी हिस्टोरिक ओकेजन फॉर मी, आनंदपुर साहब जाना भी और रायकोट जाना भी। तो मेरी ये अल्लाह ताला तो दुआ है और अरदास है कि अल्लाह ताला तो सारियां नूं खुश रखे। मेरे लिए भी दुआ करना कि असी राजी खुशी रहीए और गुरु साहब के मुबारक कदम पैण नाल जिहड़ी इत्थे प्यार मुहब्बत की सांझ बनी है वो हमेशा कायम रहे। मेरा कोई भाई बुजुर्ग भैन कोई मेरे नाल गल करना चाहे फोटोग्राफ खिचानी चाहे दे मोस्ट वेलकम। मैं जल दे बारे दसना चाहवांगा कि मेरे लिए मेरे बुजुर्गों लिए मैं जिवें पहले अर्ज की है कि इहदी सब तो वड्डी महत्ता गुरु साहब की पावन शोह प्राप्त होना है। ये कोई शक नहीं, ये होर एक भी खूबी बहुत वड्डी खूबी है कि कमाल महारत में बनी चीज़ ये रेता गिर जाती है। इट हैज़ होल्स अराउंड इट्स बैली एंड होल्स एट द बेस ऑलसो। रेता गिर जाती है, दुध और जल ये भर जाता। दिस इज़ हाउ इट वॉज मेड, दिस इज़ हाउ इट वॉज वैन गुरु साहब हैड इट, दिस इज़ हाउ इट वॉज वैन ही गेव इट टू आर एल्डर। साढ़े लिए तो एक कोई मिट्टी का प्याला भी दे जाते उन्होंने हाथ लगे होंगे तो वो अहमियत वह सत्कार इन्ना ही होंगे जिन्ना इस गंगा सागर का है। इसलिए मैं कहांगा कि मैं ये जल बहुत घट पाना है और पाना भी सिर्फ इस नीयत नाल कदी कदी हाँ कि गुरु साहब के शरदालु अगर दिलों यह चाह कि इस बर्तन चो निकलिया कतरा अगर उन्होंने नसीब हो तो वड भागी समझेंगे, अदरवाइज आई डोंट डू इट फॉर एनी अदर रीजन। जेडे कि मेरे बुजुर्ग मेरे भाई कई बार मूँह लफज कट देंगे कि विल यू डेमोन्स्ट्रेट इट, आई डोंट लाइक द वर्ड, आई डोंट एवर यूज द वर्ड। मैनू एक सरदार अपने सी मलेशिया में गया, इंडियन हाई कमिश्नर इज वाइफ वो सरदार फैमिली सन वो मैं दर्शन कर आए गंगा सागर के। मैं कहते जी कि राय साहब गंगा सागर में किसी हाथ ना ला दिया करो, ये एड्डी वड्डी अनमोल एक चीज़ है, यदि हिफाजत भी ओडी वड्डी जिम्मेदारी है। एंड आई फुली एग्री विद हिम। मैं लंडन दे विच यूके दे विच एंटीक एक्सपर्ट्स ने कहा कि इट शुड नॉट बी टच्ड एट ऑल, लेकिन मैं एक हथों मजबूर हो जाना कि जो मैं संगत के चेहरे से एक आस और एक उम्मीद देखदा कि गुरु साहब के इनू हथ लगे सन असी मामूली जहाँ रिस्पैक्टफुली टच कर लीए तो मैं वे मेरे को इनकार नहीं कर पाता। दैट इज़ द ओनली रीजन। तो मैं कहना कि तुम मुहब्बत नाल प्यार नाल इनू टच कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू। तुहाडे गुरु साहब की मेरे लिए भी मैं कहना बहुत ही वड्डी एक मुतबरक निशानी है, मुकद्दस निशानी है। अल्लाह ताला सानू हिम्मत और तौफीक देवे और अकल देवे कि इसी तरह सत्कार ना साड़ियाँ आने वाली पीढ़ियाँ भी इहदा रिस्पैक्ट और सत्कार रख सकन। मैं आइंदा कोई ढुकमे मौके से अज मैं जल नहीं पावांगा, इट वॉज़ अ वेरी शॉर्ट नोटिस। जे किसी ले इत्थे चार मैं सुनिया चार पाँच गुरुद्वारा साहिबान हैं, अगर मैं कितने वैसे कैनेडा दोबारा आया किरणपाल सिंह जी नूं कि मैं फिर तुसी कट्ठे हो जाना सारी संगत सारी नूं भी पता होवे ताकि इको बारी जल पाइए ते फिर जिस मेरे बुजुर्ग जिस मेरी भैन पाई दिया एक ख्वाहिश होवे ताकि वह सारे जल लै सकन। आइंदा फिर जदों भी अल्लाह नूं मंजूर होया मैं हाजिर होवांगा। इन्हां अल्फाज नाल मैं माजरत चाहना जे कोई मेरे तो गलत गल हो गई होवे ते मैनूं माफ करना। मैं इन्हां गल अल्फाज नाल ही तुहाडे कोल आज तो हम लोग आज का जो है 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 आज का
कौर की हवेली उत्ते हमला हो गया। हमलावर की गिनती 10 लाख मुकाबले से 43 सिंह। ये किसी आम इतिहासकार ने ज शायर ने यह डेटा सानू दिता हुंदा शायद असी यकीन ना कर रहे। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब नू फतेह की चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी दे विचों एक शेर मैं तुहाडे सामने अपने कथन की पुष्टि वास्ते पेश करना चाहुंदा हाँ। हजूर कहिंदे ने गुर स्नेहे के कारे कुनंद चेहल नर के दहल अकबर आए बरो बेखबर। सतगुरु कहिंदे ने 10 लाख ने इन्नी तेजी नाल हमला किया जिहदी तवक्को नहीं। शायद गुरदेव समझते हो कि अजे फौजा आने में कुछ देर हो जाए लेकिन ऐसा ना हो पाया। गरीब नवाज के विरुद्ध लड़ाई शुरू हो गई। जित दे चाहवान अगे वधे उन्हें 40-42 सूरमिया ने पहला अपनिया बंदूकां सर कीतियां। फिर उन्होंने अपने तीर और कमान की वरतों की। एक एक गोली कईयां विच दी ते एक एक तीर कईयां विच दी। लंघ गया सुका मोरलियां लाशां धरती ते डिगियां। फौज पिछे हटाउणी पई। वजीर खान सोची पै गया कि सानू दित्ती हुई खबर गलत है। जां तां गुरु गोबिंद सिंह नूं रातों रात को मदद पहुंच गई है ते जां गुरु गोबिंद सिंह एक पैगंबर होने के नाते कोई अपनी करामात राही साडा नुकसान कर रहे हैं। सोचण तों बाद नवी स्कीम बनी कि इस हवेली उत्ते पौड़ियां ला के चढ़िया जाए और अंदर उतर के दरवाजे खोल दिते जाण ताकि मुगलई फौजा धावा करके इस हवेली भी जा वड़न। किन्ने क नूं गुरु गोबिंद सिंह मार देणगे। इस चाल नूं अरबी विच तलुगामा कहिंदे हन। बाबर की जिंदगी पढ़द मैनू पता लग्या कि समरकंद के किले की जित वेले बाबर ने पौड़ियां ला के ही समरकंद के अंदर अपनी फौज कुदाई। तो इस चाल नूं मुड़ के इस्तेमाल करने वास्ते वजीर खान ने हुक्म दिता। पौड़ियां लियांदियां गईयां हवेली नूं ला दित्तियां। दुछत्ते मकान च बैठे सतगुरु जी उस हवेली उत्ते लगियां पौड़ियां ते चढ़ते हुए दुश्मन नूं वेखण लगे। मलेरकोटलीए सरदार इस पौड़ी उत्ते चढ़े। नार खां ते गनी खां ख्वाजा महमूद अली सत्कारियो खालसा जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सामने जदों पौड़ियां चढ़द्या चढ़द्या नार खान गुरदेव के सामने गया। उसकी छाती उची हुई। उस कंध के बनेरे तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का दस्ते मुबारक अपनी कमान उत्ते तीर चढ़ चुका सी। हजूर ने कन्ना तक तीर खिंच के आउंदे नार खान नूं आख्या नार खान जिउंदियां कौमां दुश्मन नूं अपने घर विच कदम नहीं रखण दिंदियां। तगड़ा हो तीर आ रहा है। Thank you.
निश्चय मुताबक मर्दानगी ते बुजदिली सकियां भैणां हन बहुत नेड़े नेड़े रहिंदियां हन। उन्हां विच लकीर खिच सकनी कई बार बड़ी मुश्किल होया करदी है। तीन सूरमे चमकौर दी हवेली उत्ते पौड़ियां ला के गुरु गोबिंद सिंह जी ते हमला करन वास्ते तुरे। दोवां ने मर्दां वांग छाती विच तीर खादे, लेकिन उन्हां दा ही एक भरा ख्वाजा महमूद अली बहादुरी नाल गुरदेव का सामना ना कर सकिया। पौड़ियां दे डंडे तो उतर के अपनी जान बचा के दौड़ गया। गुरदेव दी फतेह नामे की चिट्ठी शायद है, हजूर औरंगजेब ने संबोधन करके कहिंदे ने मैनू एक अफसोस है, ऐ बादशाह जेड़े तेरे सरदार मेरे ते हमला करन वास्ते आए, दो मेरे तीरां नाल राही जन्नत बने, लेकिन तेरे तीजे जरनैल का मैं मूंह नहीं वेख सकिया। जे मैं उहदा मूंह वेख लैंदा, हजूर कहिंदे ने एक तीर मैं उहनूं भी बख्शिश कर दिंदा। हुण ध्यान देना, शब्द बख्शिश वरत्या जा रहा है। दरेगा अगर रूए ओ दीद में बैया तीर लाचार बख्शीद में, मैं बख्श देंदा लाचार की विच तीर। गुरु गोबिंद सिंह जी का तीर चलाना शुगल नहीं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का तलवार अखाना कोई दिलचस्पी की गल नहीं, कोई शौक नहीं है लड़न का। पर चूं कर अज हम अहीर के दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदन बाशन कीरदस। धर्म की राखी लई, देश की आजादी लई, मजलूमा नू जरवाणियां तो बचाउण लई कलगियां वाले सतगुरु ने तलवार उठाई, हथियारों की वरतों की। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ते हमला भी नाकाम हो गया। हुण दुश्मन की चाल ए सी कि कट्ठे होके इक्के वार चमकौर की हवेली उत्ते हमला करन। उन्होंने दूर मारू तोपां घड़ीस के चमकौर के दरवाजे अगे बीड़न की कोशिश की, ताकि तोपां नाल तोपां दे गोलियां नाल दरवाजे तोड़े जा सकन। दुश्मन की इस चाल नू नाकामयाब करने वास्ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के जेठे साहिबजादे साहब अजीत सिंह जी गुरदेव दे पेश होए। हाथ जोड़ के बेनती की, सच्चे पातशाह देख रहे हो दुश्मन मकार भरी चाल नाल चमकौर की हवेली के दरवाजे तोड़ना चाहता है। इस तो पहला कि दुश्मन अपने नापाक इरादों विच कामयाब हो जाए, दास नूं आग्या बख्शो सतगुरु सच्चे पातशाह, मैं दुश्मन नूं असफल करके मैदाने जंग विच उन्हां दी स्कीम नूं फेल कर सकां। हुण ध्यान देना, पौने 18 साल की जिंदगी है साहबजादा गुरु गोबिंद सिंह जी दे दी, अजीत सिंह दी। हजूर दे मोढ़ियां तां मोढ़ा खेंदा सी, इन्ना कद हो गया सी। मेरे पातशाह दे दिल विच की आउंदा होवेगा, एक संसारी पिता जवान पुत नूं वेख के की सोचदा है, उहदे विआह की गल करेगा, उहदे रिश्ते की गल करेगा, उहदे भविख की गल कहेगा, सोचेगा ते हो सके अपनी समर्था अनुसार कोशिश करेगा, यतन करेगा। लेकिन कलगियां वाले दे सामने सिख कौम दे भविख का सवाल सी, बेटा कुरबान हुण तुरिया है, कोई विआह नहीं तुरिया, पर कलगियां वाले पातशाह ने अजीत सिंह नूं घुट के लाया छाती नाल, मत्था चुमिया, दिल चों आवाज निकली, अजीत सिंह पुत्र मैं इन्ना खुश हाँ अज तेरे ते, तू शायद अंदाजा ना लगा सके। इसे दिन वास्ते मैं तेनू पालदा पोसदा रहा। जमाना सी जदों मैं अपने पिता नूं दिल्ली दे चांदनी चौक विच देश की खातर शहीद करवाया, संसार दे लोगां ने मैनू सन्मानिया यह कह के के शहीद पिता दे पुत्र गुरु गोबिंद सिंह हैं। बेटा जो तुसी शहीद हो गए ना, तुहाडे पिछों आने वाली दुनिया जिथे शहीद पिता का पुत्र कह के मैं याद करती है, उत्थे तुहाडी शहादत पिछों लोग कहणगे गुरु गोबिंद सिंह शहीद पुत्रां का भी पिता है। जाओ बेटा अपनी जवानी सफल करो, गुरदेव इउं कहिंदे ने। Woo!
साहबजादे का मत्था चुमया छाती ना लाया प्यार किया बेटा मेरा अंतम प्यार है याद रखना है इसनों चेते रखना आप शहीद गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के पड़पोते शहीद गुरु तेग बहादुर के पोतरे हो अते कलगियां वाले दे फरजंद हो मैदाने जंग में जाके कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए नहीं गरीब नवाज पिता तसली रखो तुहाडा साहबजादा तुहाडी अणख नूं दागदार नहीं होण देवेगा सत सिंह साहबजादे की कमान थले तोरे गए दोपहर आ चुकी सी इधर जवानी जोबन ते उधरों सियाल का बुढ़ा सूरज अपने पूरे नखार उत्ते चमकौर की हवेली का दरवाजा खुलिया छाला मारदा साहब अजीत सिंह मैदाने जंग विच गया कलगियां वाले तो छते मकान उत्ते बैठे अपने नौजवान बेटे नूं तीरां ते गोलियां नाल खेड़दा होया वेख रहे सन तलवारां चलदियां रहियां आउ लेंदे रहे और आखिरकार 10 लाख दे मुकाबले उत्ते सत किन्नां चिर टिकदे
जिन्ना चेर उन्हां च जान रही अणख रही गैरत दी खातर वो लड़े और एक एक करके शहीद होंदे चले गए। जदों साहिबजादा अजीत सिंह धरती ते डिगा कलगियां वाले ने बड़े जोर नाल चमकौर की गढ़ी विचों जयकारा छड़िया और साए पंथ ने अज कलगियां वाले के जयकारे नूं साकार करना है। ए जयकारे का जवाब देना ते इहदे नाल ही समाप्ति। आपां फिर अजे हैगे एक महीना लगातार सिख इतिहास तुहानूं सुणाउंदे रहांगे। खालसा पंथ की चढ़ती कला का एक जयकारा साथियों पासों सरवण करो ते दासां नूं आग्या दिओ। इहों बेनती है वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इतिहास भेट बेअंत माया आप वालों अरदास होई। सतगुरु जी नामदान बख्शन सिर मेर पड़िया हर सकन खजाने भरपूर कर। अगला प्रोग्राम सरवण करो जी दासा नूं आग्या दिओ। आनंद गुण
लेखमती के ਸਾਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸਨ ਸਾਰਦਾ।
ਆਈ ਆਸਰਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜੰਗ ਰਾਮ ਰਾਉਣੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1747 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਬ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਸਨੇ ਤਹਿ ਤੇਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਮਚੀਆਂ ਨੇ ਫੀਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਨਾਦਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਜ਼ਨ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੜੀ ਮਿੰਨਤ ਸਮਾਜਤ ਨਾਲ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤਖ਼ਤ ਜੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤਖ਼ਤੇ ਤਾਊਸ। ਤਾਊਸ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੈ ਮੋਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੋਰ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਤੋਰਿਆ। ਨਾਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। 9 ਜੂਨ 1747 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਦਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਹੀ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਦਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦਾ ਲਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ 1747 ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦਸੰਬਰ 1747 ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਦਰਾ ਰੰਗ ਕੇ ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਇੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਹਾਰਿਆ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ।
अहमद शाह अब्दाली दीयां फौजां इस तों अगे वध के सरहंद दे नेड़े तेड़े जा पहुंचियां। उन्हां दिनां विच हिंदुस्तान दे बादशाह ने अपने एक मोहतबर वड्डे वजीर वजीर कमरदीन नूं और उहदे पुत्तर मीर मोइनल मलक नूं जिहनूं बाद विच सिख मीर मन्नू कह के याद करदे ने, उन्हां नूं फौज दे के शाही लश्कर दे के माणूपुर भेजिया। सरहंद दे लागे माणूपुर दे पिंड विच अब्दाली और दिल्ली दीयां फौजां दी टक्कर होई। इस टक्कर विच वजीर कमरुद्दीन मारिया गया। कमरुद्दीन दे मारे जाण पिछों उसके पुत्र मीर मोइनुल मलक ने शाही फौजां दी कमान संभाल ली। सवेर तों लैके शाम तक तलवारां खड़कदियां रहियां, बड़ी खून रेस जंग होई। नतीजा निकलिया कि अहमद शाह अब्दाली दी फौज दे पैर मैदाने जंग विचों उखड़ गए। हिंदुस्तान उत्ते जित दे झंडे गड्ढण दा सुपना साकार ना कर सकया अहमद शाह अब्दाली। माणूपुर विचों हार के वह वापस मुड़िया। जिहड़ी हालत खालसे ने नादर दियां मुर्दियां फौजां दी कीती, उही उन्होंने अहमद शाह अब्दाली दी भी कीती। अहमद शाह अब्दाली अपने देश नूं वापस परत गया और सिखां ने उस नूं चंगी तरह खूब रज के लुटिया। अहमद शाह अब्दाली ईरान जाके फिर नवीं तैयारियां लगा करन, ताकि वह हिंदुस्तान की इज्जत नूं खेडण वास्ते वह फिर शाही लश्कर लैके चढ़ाई करे। तो चूंकि मीर मोइनुल मलक मनूपुर की लड़ाई विच पूरी तरह जित हासिल कर चुका सी, अब्दाली ईरान वापस परत गया सी, खाली पैर लाहौर के सूबे उत्ते मीर मनू नूं गवर्नर बना के भेज दिता गया। मीर मनू ने लाहौर का प्रबंध संभालिया। पंजाब विच बिखरी हुई ताकत नूं उसने इकट्ठा किया। सोच के भई ये सिख ही ने जिहड़े साडी फौज नूं तंग करदे हन, साडा माल लुटदे हन और साडी जित नूं हार विच बदल देंदे हन, इस वास्ते सिखां दे विरुद्ध